हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे YouTube चैनल हंग्री फॉरएवर बाय अंजना पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ अपनी आलू टिक्की चाट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आलू टिक्की चाट सभी को बहुत पसंद होती है, जिसका नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। मेरी आलू टिक्की चाट की रेसिपी बहुत सिंपल है और झटपट बन जाती है और इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। तो चलिए शुरू करते हैं। आलू टिक्की के लिए मैंने 8 मीडियम साइज के आलू बॉइल कर लिए हैं और इन्हें ठंडा कर लिया है तकरीबन 5 घंटे छोड़कर। इन्हें फ्रिज में नहीं रखना है, बस नॉर्मल बाहर ही ठंडा होने देना है। अब हम एक मैशर की मदद से आलूओं को मैश कर लेते हैं। हमारे आलू मैश हो गए हैं। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून ब्रेड क्रम डालेंगे, 1/4 कप चना दाल, इसे मैंने बॉईल कर लिया है और ठंडा भी कर लिया है, 3 टेबलस्पून मैदा, आप चाहे तो चावल को पीस के उसका आटा भी इसमें डाल सकते हैं, 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून काले मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1/4 टीस्पून गरम मसाला। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। हमारे आलू अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसमें सारे मसाले और मैदा अच्छे से मिल गया है। अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। अब एक पैन में घी को गरम कर लेते हैं। मैं इन्हें घी में इसीलिए भी सेक रही हूँ क्योंकि इससे टिक्की बहुत ही करारी सिखेगी। अब हम हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा के टिक्की बना लेंगे। अब हम टिक्की को थोड़ा सा मोटा और थोड़ी बड़ी टिक्की बनाएंगे, जैसे बिल्कुल बाजार में मिलती है थोड़ी सी बड़ी टिक्की। आप इसका साइज देखिए, अच्छे से देख पा रहे हैं, इतनी चौड़ी और इतनी मोटी। ऐसे ही अब हम सारी टिक्की बना लेंगे। हमारी टिक्कियां रेडी हैं। अब हम इन्हें तल लेते हैं। हमारा घी बिल्कुल गर्म है, अब हम इसमें टिक्की डालेंगे। और इसे जैसे सेक लेंगे थोड़ा ब्राउन होने तक। अब हम टिक्की को पलट रहे हैं और दूसरी साइड से भी ऐसे ही ब्राउन सेक लेंगे अच्छे से। हमारी टिक्की सिक गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारी टिक्की रेडी है। चलिए अब हम इसकी चाट बना लेते हैं। अब हम इसमें 1 कप मीठा फेटा हुआ दही डालेंगे, 2 टेबलस्पून हरी पुदीने वाली चटनी और 2 टेबलस्पून अमचूर की खट्टी मीठी चटनी। ये दोनों चटनियां मैंने घर में ही बनाई हैं। एक टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज, 1 हम इसमें 1 टेबलस्पून पनीर के छोटे टुकड़े डालेंगे, 1 टेबलस्पून अनार के दाने, 1 पिंच चाट मसाला और 1 पिंच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे।
अब हम इसमें लास्ट में 1 टेबलस्पून आलू भुजिया डालेंगे। हमारी आलू टिक्की चाट बिल्कुल रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और आप कौन सी रेसिपी वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं आगे आने वाला वीडियो उस पे बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सिलेक्ट ऑल टू सी मोर रेसिपीज वीडियो। थैंक यू।